गैस अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं और एक्चुअली एक अनप्लान ट्रैक पे जा रहे हैं आज हम, क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्लान ही नहीं बना था। रात को फ्रेंड्स के साथ एक प्लान बना, तो अभी हम या तो कलावंतिन जाएंगे या तो पवलगढ़, तो अभी हम वहाँ पे जाके ये चीज़ डिसाइड करेंगे। लेकिन आज बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। अभी मैं फटाफट फ्रेश होता हूँ और मिलता हूँ स्कूटी के पास, फिर चलेंगे ट्रैक पर। तो गाइस अभी हम अपने स्कूटी के पास पहुंच चुके हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हो टू ब्रदर मोटो व्लॉग्स, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, अभी हम जाएंगे फर्स्ट पेट्रोल पंप के पास और करते हैं अभी हम राइड शुरू, मिलते हैं सीधे पेट्रोल पंप पे। तो गाइस फाइनली हमने जो है पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरा लिया है और दोनों ने जो है नाश्ता भी किया नहीं है, तो पहले हम नेरा में पहुंचते ही पहले नाश्ता कर लेंगे पेट भर के, क्योंकि ट्रैक स्टार्ट होने के बाद वहाँ पे हमें किसी भी तरह की खाने पीने की चीज़ें मिलने वाली नहीं है। और गाइस हम एक रिच पे थोड़ा सा शूट करने वाले हैं, उसके लिए मैंने जो है अपना हेलमेट निकाल के नीचे ही रखा हुआ है, तो वो शूट खत्म होने के बाद मैं जो है वापस से हेलमेट पहन लूँगा। तो गाइस अभी हम नेरा पहुंच चुके हैं, एक्चुअली हम लोग पेट्रोल पंप पे रुकने वाले थे लेकिन रुके नहीं, हम लोग फटक से निकल गए क्योंकि हमें 7 बजे पहुंचना था कलावंतिन के पास। तो अभी हम ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लेट है, तो अभी मिलते हैं डायरेक्ट कलावंतिन के पास। तो गाइस फाइनली जो है हम वाजापुर गाँव के पास पहुँच चुके हैं, और ये सामने का जो पहाड़ आप देख रहे हो वो एक कलावंतिन दुर्ग और प्रबलगढ़। तो जैसे ही हम 1000 फीट ऊपर माची गाँव पहुंच जाएंगे, वहां से मैं आपको एक शॉट दिखाऊंगा जिसमें कलावंतिन और प्रबलगढ़ आपको दिखने मिलेगा एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो अभी हम ऊपर जाके तय करेंगे हम कलावंतिन और प्रबलगढ़ साथ में करेंगे की नहीं, और उसी के साथ आज हमारे साथ जुड़े हुए आशीष जो की यही का रहने वाला है एक्चुअली, और हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, तो उनको जंगल का, सांपों का और जानवरों का अच्छा खासा नॉलेज है। तो आज हम जंगल के थ्रू जो वाजापुर गाँव है उसके पीछे से जंगल स्टार्ट होता है, तो वहाँ से हम कलावंतिन का ट्रैक करने वाले हैं। अगर आप सेफली एकदम जाना चाहते हो अपनी कार, अपनी जो स्कूटी या बाइक है उसको अच्छे से पार करके आप ट्रैक स्टार्ट करना चाहते हो, तो नेरा में जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से राइट लेने के बाद वो जो रूट है वो डायरेक्ट कलावंतिन प्रबलगढ़ के नीचे आता है एकदम पहाड़ के नजदीक। आप वहाँ पे अपनी 4-व्हीलर या 2-व्हीलर को पार करके वही से आप डायरेक्टली ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। और हम जो जा रहे हैं हम पूरा घूम के जा रहे हैं क्योंकि हमने सोचा कि कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो अभी देखते हैं हम किस तरह से ऊपर पहुंचने वाले हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, और आप ये वीडियो पूरे एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम एकदम डिटेल में आपको बताने वाले हैं और आपको भी देखने मिल जाएगा किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो गाइस हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, और ये जो है हमारे साथी है, ये हमारे आशीष भाई, ये संदेश भाई, और पता नहीं रास्ते में मिल गए थे ये हमारे दोस्त है प्रणव जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अभी हमें बहुत ऊपर जाना है, और अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत घना है एकदम। और हमारे आशीष भाई जो है वो एकदम एक्सपर्ट है इस सब चीजों में, तो अभी हमें ऊपर लेके जाएंगे। पूरा घना जंगल है, तो कुछ पत्थर गिर गया था बीच में ऊपर से,
और आज का दिन बहुत स्पेशल है, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हमें ऊपर पहुंचने में एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा उसका कुछ आइडिया है नहीं, अभी देखते हैं। और लॉकडाउन के बाद, बहुत दिनों के बाद एक्चुअली हम लोग ट्रैक पे निकले, तो अच्छी खासी हालत भी ख़राब होने वाली है, लेकिन क्या करेंगे। एक्चुअली ऐसे टाइम पे डर लगता है सांप वगैरह कोई बीच में ना आ जाए। तो अगर आप भी बारिश के टाइम पे ट्रैकिंग करते हो तो थोड़ा संभाल के क्या करो। और मेरी सांस ऑलमोस्ट अब भी से फूलना चालू हो चुकी है, ऊपर जाने तक पता नहीं क्या हाल होने वाला है। और जो झाड़ के पत्ते गिरते हैं उसकी वजह से स्लीपरी हो जाता है पूरा रोड। तो गाइस अगर आप देख पा रहे हो तो लास्ट ईयर ऊपर से पूरा जो पत्थर वगैरह पूरा नीचे आ चुका था, ये सब ऊपर से ही ढके आया हुआ है। एक्चुअली बारिश के टाइम पे इन सभी चीज़ों का डर लगा रहता है, क्योंकि कभी भी पहाड़ से कोई भी पत्थर निकल के नीचे आ सकता है। और अभी तो हमें बहुत ऊपर जाना है, और एक्चुअली पैर स्लिप हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस थोड़ा आराम आराम से जाएंगे। और एक्चुअली मेरी पैंट भी पूरी भीग चुकी है घास की वजह से, फिर भी ठीक है, इतना फॉग नहीं है यहाँ पे अभी, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा फॉग था, क्योंकि हमारे आशीष भाई जो यहाँ नीचे ही रहते हैं उनका गाँव है वाजे करके, तो उनको यहाँ का अच्छा खासा नॉलेज है, तो आज हम उन्हें अपने साथ लेके आए। और प्रणव जी की हालत देखते हुए बहुत टाइट है। प्रणव, हाउ इज द जोश? लो सर, लो झाला एवढ्यात लो झालास तर कसं व्हायचं तुझं? केकडे नेतो का घरी? व्हेजिटेरियन काय सच्चे कसा उत्तर। अभी हम आ चुके हैं, एक्चुअली घास थोड़ी बड़ी वाली है, पेड़ पौधे थोड़े बड़े वाले हैं ना, तो उनके ऊपर जो फॉग जमा होता है उसकी वजह से हमारी पैंट बिना बारिश की पूरी गीली हो चुकी है। और लेकिन एक है कि मच्छर अभी यहाँ पे बहुत कम है, तो वो एक टेंशन कम है अपना। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें आ रही है अभी, जो पेड़ है उनकी जो टेनियाँ हैं पूरे नीचे तक आ चुकी है, तो आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना के जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आशीष सावकाश है, पकड़ून नहीं आगे घरी। तो गाइस अभी हम थोड़ा आगे जाके कैमरा चालू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे
बहुत अड़चन वाली जगह हो चुकी है। तो गाइस अभी आधा तो मैं थक चुका हूँ और अभी कुछ इस तरह का नज़र आपको देखने मिल रहा है। यहाँ से पूरा फॉग छाया हुआ है और झाड़ियाँ इतनी बड़ी है कि ऑलमोस्ट पूरा भीग चुका हूँ। अरे हमारे दोस्त थे, ऑलमोस्ट सबकी हवा टाइट है क्योंकि लॉकडाउन के बहुत टाइम के बाद सब लोग बाहर निकले घूमने के लिए। तो अभी हमें और बहुत सा ऊपर जाना है। अगर अभी आप देख पा रहे हो कि नहीं आइडिया नहीं है, लेकिन वो कलावंतीन का पूरा टोक है, मतलब 1 से 1.5 हज़ार फुट अभी ऊपर चढ़ना ही है अपने को। और अभी का जो नज़र है वो बहुत ऑसम वाला है। तो गाइस चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फाइनली हमें एक जगह मिल गई जहाँ पे हम एकदम प्रॉपरली बैठ के आराम कर सकते हैं। हमारे जो आशीष भाई है उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल थके हुए नहीं, बस फोटोग्राफी के लिए एकदम मूड में है। और हमारे जो प्रणव भाई है वो फर्स्ट टाइम ट्रैक पे आए हुए हैं, तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करते हैं क्योंकि इनकी हालत खराब इतनी ख़राब होते जा रही है कि हम लोग वापस नीचे नहीं जाना चाहते हैं। तो उससे अच्छा हमने सोचा कि थोड़ा बैठ बैठ के जाते हैं, थोड़ा उनको एनर्जी लेने देते हैं। तो गाइस अभी हम दूसरे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो नज़र है पूरा फॉग भरा हुआ है, तो नीचे का कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा और मेरी सांस बहुत पूरी तरह से फूल चुकी है। ट्रैकिंग की पूरी आदत छूट चुकी है अभी। यहाँ के एक आदिवासी है, उनसे मालूम पड़ा है कि ऊपर का जो रोड है वो बंद है, तो ऊपर जाने मिलेगा कि नहीं अभी ऊपर जाके ही देखना पड़ेगा, लेकिन ऊपर जाने मिले तो अच्छा है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे और सरप्राइजिंगली कुछ इस तरह का व्यू हमें देखने मिला है। अगर आप देख पा रहे हो तो आगे पूरा पहाड़ अभी दिखना चालू हो चुका है और फॉग जो कि है वो अभी हटना चालू हो चुका है। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ऑसम वाला है और अभी बहुत मज़ा आ रहा है ऊपर चढ़ने में, मतलब तो पूरी जो थकान थी अभी वो निकल जा रही है। अगर आप सामने देख पा रहे हो तो सामने भी कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो ये भी कुछ पहाड़ है जो ट्रैकिंग पॉइंट्स है। कुछ ऐसा नज़ारा और अभी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। अभी हमें बहुत अभी और भी ऊपर जाना है अगर आप देख पा रहे हो। तो अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि ऊपर से और भी अच्छा नज़ारा मिलेगा, लेकिन ये जो सामने वाला नज़ारा है इसका मज़ा ही कुछ और है। कलावंती के टॉप से इसका व्यू कुछ और ही मिलने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चांदेरी ओके चांदेरी। तो गाइस यहाँ से भी एक पहाड़ दिख रहा है, ये जो सामने दिख रहा है ये चांदेरी ना, ये चांदेरी किला है, उसके बाजू में अलंग मदन ओके मलंगगढ़ है। और हमारे आशीष भाई ट्रैकिंग के मामले बहुत एक्सपर्ट है, अगर आपको कभी जाना है तो आप इनके साथ जा सकते हो। एक्चुअली इनको ट्रैकिंग बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है, लेकिन लॉकडाउन के 6 महीने हम लोग कहीं गए ही नहीं थे, जिसकी वजह से अभी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और नीचे अभी गाँव भी दिखना चालू हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी हम फटाफट ऊपर चढ़ते हैं, मतलब ऊपर से और भी अच्छा नज़ारा देखने मिल सकता है। हो दे रहे समय हो दे
आपको गाइस, अभी हम आधा पहाड़ तो चढ़ चुके हैं, आधा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है ऐसा बोल सकते हैं। अभी थोड़ा सा पैच ऊपर का है, ऊपर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कलवंतीन और पर्वतगढ़ दोनों साथ साथ में ही है। एक्चुअली प्लानिंग था कि कलवंतीन के साथ प्रभा भी कर सके, लेकिन जो हमारे साथ प्रणव भाई आए हुए हैं उनकी उतनी ताकत है नहीं, तो इनकी वजह से खाली हम कलावंती नहीं करने वाले आज। अगर उनकी मैं ताकत रही उन्होंने कहा तो फिर प्रबलगढ़ भी चले जाएंगे, क्योंकि तो अभी टाइमिंग 8:50 हो चुका है और ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह का तो गाइस कुछ ट्रैकर्स यहीं पे भी है। गाइस यहाँ पे पूरा फॉग छाया हुआ है। और यहाँ पे कुछ ढाबे है, तो शायद कैमरे में दिख रहे कि नहीं पता नहीं। आप जब भी यहाँ पे आते हैं यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, और साथ ही खाने के लिए अगर भी यहाँ पे साधन है। और ये जो डस्टबिन वाला सीन अभी सिस्टम किया हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जो भी ट्रैकर्स यहाँ पे आते हैं वो अपना कचरा इसी में डाले, क्योंकि नेचर को बचाना हमारा ही काम है। देखिए गाइस अभी आप देख रहे हो किसी ने बॉटल को यहीं पे छोड़ दिया हुआ है। तुमसे का तो गाइस अगर आप बोट्स देख पा रहे हो तो इतनी ऊंचाई पे है और नीचे पूरी तरह से फॉग छाया हुआ है, तो ज़्यादा पास जाना भी धोखा देगा, तो हम थोड़ा दूर से ही मजे लेंगे। और कलवंतीन तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, एकदम लाइटली। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं और फिर यहाँ से सीधा कलवंतीन का ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा अपना। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन चल रहा है कि ऊपर छोड़ नहीं रहे कलवंतीन के लिए अभी, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी देखते हैं ऊपर छोड़ते हैं कि नहीं। तो गाइस अगर आप पीछे देख पा रहे हो तो कलावंती ने और लेफ्ट साइड में प्रबलगढ़ है, तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ के गांव वालों से हमने बात की लेकिन वो अभी ऊपर छोड़ नहीं रहे, तो अभी थोड़ी देर देखते रुक के कि ऊपर छोड़ते कि नहीं, नहीं तो हमें ये वाला ट्रैक यहीं से वापस नीचे जाना पड़ेगा। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अभी वो वहाँ पे ऊपर छोड़ नहीं रहे, तो अभी हमें यहीं से नीचे जाना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट टाइम वापस ट्राई करेंगे कलावंतीन प्रभागढ़ के लिए। पूरा मज़ा थोड़ा सा मूड ऑफ हो चुका है हमारा, लेकिन कोई नहीं, तो अभी हम चलते हैं नीचे।
तो गाइस अभी हम नीचे जा रहे हैं पूरी तरह से, तभी धीरे धीरे नीचे उतरते। एक्चुअली हम लोग को आइडिया नहीं था कि ऊपर जाने के बाद आगे जाने मिलेगा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे फ्रेंड्स कुछ आए थे वो जाके आए थे, और अभी सीन कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के लिए आना चालू हो चुके थे, तो यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो रिस्क नहीं ले रहे उतना, तो इसके लिए अभी हम यहीं से वापस नीचे जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक भी ऊपर है बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा मज़ा आया। तो अभी यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर हम लोग खाना वगैरह खा लेंगे, फिर यहाँ से नीचे उतर जाएंगे। और यहाँ पे जो क्लाइमेट है फॉगी एकदम, तो बहुत अच्छा है। तो गाइस अभी हम फटाफट नीचे उतरते हैं और किसी और पॉइंट पे हमें जाना है, तो अभी हम उसकी तरफ निकलते हैं। अरे वो ऐसा मत देना, पूरा टिप पे पकड़ना, वो अभी तो उतना ट्रेन नहीं है बाजी मेरा तो सकाळी सकाळी बरं पडतं ऍक्च्युली उन्हामध्ये ना, चढणं लय बेकार वाटतं, चढणं तर उन्हा येते ना मग कळतं। तो गाइस अभी मिलते सीधे नीचे। तो गाइस ऑलमोस्ट हम नीचे आ चुके हैं और आई थिंक 10 मिनट्स का पैच बाकी रह गए। एक्चुअली गर्मी बहुत हो रही है आज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरी हीट है। एक्चुअली ये घास की वजह से वीडियो बनना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ। एंड एक्चुअली ऐसे जंगल से जाना हो तो आपको थोड़ा ग्रुप में आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बंदर वगैरह यहाँ पे बहुत घूमते फिरते हैं, तो उसके लिए थोड़ा अपना ख्याल रखना अगर ये वाले रोड से आते हो। तो मेरा पैर फिसल गया एक्चुअली। सावकाश 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 खेच आणि वाकून चाल आराम से। एक्चुअली कलावंतीन का पूरा फोर्ट चढ़ने मिलता तो बहुत अच्छा हो जाता था, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से प्लान था यहाँ पे आने का, लेकिन ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से फ्लॉप हो गया। लेकिन कोई नहीं, हम जो गांव तक गए थे वहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू था हमारे लिए। तो अभी एक और पॉइंट है जहाँ पे अभी हम जाने वाले, इसके लिए मैंने एक्चुअली वीडियो थोड़ा पॉज किया था कि हम फटाफट नीचे उतरते हैं और दूसरे पॉइंट के लिए निकलते हैं, क्योंकि फिर गर्मी में ज़्यादा घूमने में मज़ा नहीं आएगा।
और ऑलरेडी हम लोग के पसीने छूट रहे क्योंकि पूरी घास वगैरह की वजह से गर्मी बढ़ी हुई है। एक्चुअली यहाँ का जो साउंड है ना बर्ड्स एंड ऑल एनिमल्स का, उसके से एकदम फ्रेश हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे पत्थर समझ में नहीं आ रहा ना तो फिर फिसला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लीपी रोड है। फाइनली हम बहुत नीचे आ चुके हैं। तरह का जंगल है क्या वो आशीष भाई? चलो प्रणव जी आराम से आइए, आपकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अरे तेजा उसका फर्स्ट ट्रैक है इसकी वजह से उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन किया अच्छा खासा किया। खराब है ना आपकी हालत? खराब खराब नहीं है। जंगल संपना रही थी ना। और दो मिनट यहाँ से यहाँ से यहाँ से। एक्चुअली ऐसे एरिया में जब हम आते हैं ना तो रोड मार्किंग से याद नहीं रहते और रोड खो जाते हैं, तो उसकी वजह से गुम जाने का बहुत चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप अगर इस रोड से आने वाले हो तो किसी ऐसे को साथ में लेके आओ जिसको यहाँ के रोड्स का पता हो, जैसे हम लेके आए हैं हमारे आशीष सर। आशीष जी बहुत खुश है आज। तो चलो गाइस एकदम नीचे पहुंच के अभी आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ वहाँ से किस तरह से दिखेगा। एक्चुअली सुबह में दिखाने वाला था लेकिन ऑलरेडी हम लेट थे क्योंकि अगर ज़्यादा जल्दी ऊपर पहुँच तो शायद हमें कलावंतीन चढ़ने को मिलता था, क्योंकि ज़्यादा लोग आने के बाद फिर वहाँ पर अलाउड नहीं करते फिर कुछ। इस तरह से झाड़े तो एक्चुअली उसकी वजह से चलते वक्त ध्यान दे के चलना पड़ता है क्योंकि कुछ सांप वाप पैर के नीचे आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो गाइस अभी मैं कैमरा बंद करता हूँ और नीचे जाके आप तो नीचे जाके मैं आपको व्यू का नज़ारा दिखाता हूँ, तो आप व्यू का मज़ा लीजिए। तो गाइस फाइनली हम लोग नीचे पहुँच चुके हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ये टोक दिख रहा है तो ये कलावंतीन दुर्ग है जहाँ पे हमें जाना था। तो अभी हम नीचे गांव में आ चुके हैं और अभी हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। बहुत हंस रहे हो, नीचे आने के बाद बहुत खुश हो गए तुम? अब हमें प्यास लगी है। आराम से बैठ कर पानी पीने का। अभी क्या ऐसे चलते इसमें पानी पिएगा ना तो पेट दर्द देगा तेरा। तो गाइस फाइनली हम अपनी स्कूटीज के पास आ चुके हैं। है अपनी स्कूटी और अभी यहाँ से हम निकलते हैं।
तो गाइस अभी हम नदी पे आए हुए हैं, सोचा थोड़ा यहाँ से फ्रेश होके फिर घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ प्लान ही नहीं कही यहाँ पे घूमने जाएं। तो अभी हम लोग सोच रहे कि यहाँ पे थोड़ा तैरेंगे फिर यहाँ से घर पे जाएंगे। तो गाइस कुछ इस तरह का नज़र है अभी, इन लोगों का तो प्लानिंग है नहाने का, अभी देखते हैं किसका क्या प्लानिंग है। तो गाइस अभी फाइनली खाना वीना खा के नहा धो के हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं घर पे और ये व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। आप ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा, बहुत कुछ अलग चीज़ें देखने मिलेंगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी चलते चलते बात, तो गाइस आज अच्छा खासा एंजॉय हो चुका है। एक्चुअली कलावंतिन पूरा उत्तर तक जाने का मेरा प्लानिंग था, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही सीन होता कि लास्ट टाइम जब हम आए थे तब हमें कलावंतिन पूरा उत्तर तक चढ़ने नहीं मिला था, माफी से ही वापस लौटना पड़ा था, आज भी वही हुआ। लेकिन बारिश में जो इंजॉयमेंट होता है वो थोड़ा अलग ही होता है, बस थोड़ा संभाल के करना पड़ता है। और इस बार हमने रोड भी अलग चॉइस किया था, तो अभी हम निकल गए घर की तरफ। अभी बहुत थक चुके हैं, आज के लिए इतना ही। और आपने मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके लिए वापस एक चीज़, वो है अपनी बर्गमन का ऑफ रोडिंग, जो मैं आपको वापस एक बार दिखाऊंगा। Thank you.